हेलो एंड वेलकम टू इकोहोलिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काई स्क्वायर के कॉन्सेप्ट्स और काई स्क्वायर की थ्योरी। सबसे पहले हम देखेंगे ये टेस्ट जो है, जो स्टैटिस्टिक्स में बहुत यूज़ होता है, इसका कारण क्या है। दूसरी चीज़, अगर आप रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ रहे हैं या स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं किसी एडवांस लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए, तो ये टेस्ट और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इसके पहले और भी टेस्ट हैं, जैसे टी टेस्ट हो गया, उसके अलावा कोरिलेशन रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। इफ़ यू आर स्टडिंग रिसर्च मेथोलॉजी तो भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियोस देखे हैं, क्योंकि एडवांस लेवल होता है तो इसको समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी है। उस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए अब डिस्कस करते हैं काई स्क्वायर। सबसे पहले काई स्क्वायर की ज़रूरत क्यों होती है। जब भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि डेटा सही है या नहीं, उसका जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है पॉपुलेशन से वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। बट काई स्क्वायर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। पहली चीज़, जो भी डिफरेंस है उसकी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू में, तो डिफरेंस बिटवीन एफ ज़ीरो एंड एफ ई। तो एफ ज़ीरो क्या है और एफ ई क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। एफ ज़ीरो का मतलब होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एफ ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर हम देते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, आपको इस सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपने एक्सपेक्ट किया है कि आपके 85 मार्क्स आएंगे 100 में से। ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि आपके 80 मार्क्स आए। तो इसका मतलब ये डिफरेंस जानना है तो काई स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तो आरबीआई प्रेडिक्ट करती है कि इन्फ्लेशन इतना होगा, उस हिसाब से वो पॉलिसी बनाते हैं। बट जब एक्चुअल इन्फ्लेशन की वैल्यू आती है तो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब यहाँ 85 भी हो सकता है या 75 भी हो सकता है, आपके पाँच नंबर ज़्यादा आ गए। तो जो भी डिफरेंस है उसको जानने के लिए काई स्क्वायर इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है उसको जानना है, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह का स्क्यूनेस बनेगा, वो राइट टेल रहेगा लेफ्ट टेल रहेगा, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डेटा, उसको जानने के लिए काई स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है, ये टेस्ट करता है डेटा की इंडिपेंडेंस को। मतलब डेटा इंडिपेंडेंट है कि नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कि वो किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस तो नहीं है। तो जब भी हम डेटा एनालाइज करते हैं, ऐसा होता है कि जो फैक्टर्स हमने सोचे हैं उसके अलावा भी किसी एक्सटर्नल फैक्टर से डेटा इन्फ्लुएंस होता है। तो टू टेस्ट इट इंडिपेंडेंस का स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। काई स्क्वायर का साइन ऐसा होता है, समिशन एफ जीरो माइनस समिशन एफ ई डिवाइडेड बाय एफ ई होल स्क्वायर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है काई स्क्वायर निकालने का। इसका मतलब जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसका डिफरेंस, उसका टोटल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो उससे काई स्क्वायर की एक वैल्यू आती है। अब जब भी ये वैल्यू आती है उसको हम टेस्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्टैट्स में टी टेस्ट एफ टेस्ट, इसमें टेबल रहता है, वो टेबल वैल्यू देखना इंपॉर्टेंट होता है। हम हर चीज़ के लिए एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो स्टेटमेंट रहता है वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा वो काई स्क्वायर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि टेबल वैल्यू अगर ग्रेटर है कैलकुलेटेड वैल्यू से, मतलब टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है, तो हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, और कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टेबल वैल्यू से, मतलब वाइस वर्सा, तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं। और जब एच नॉट रिजेक्ट होता है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ऑटोमेटिकली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि या तो हेड होता है या टेल होता है, इस तरह से। तो ये काई स्क्वायर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा इसका न्यूमेरिकल पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, वहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इस जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इकोहोलिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा हमारे पास लाइव क्लासेस है जो कि अभी इंग्लिश मीडियम में है,
और लाइव क्लासेस में आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, अनलिमिटेड डाउट फैसिलिटीज़ मिलती है और हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल आपके घर पर आता है जिसको आप पढ़ सकते हैं, कंसाइज है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।